हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोला कलर्स। अच्छा, आज कुछ स्पेशल डे है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पिंडी छोले बना के दिखाऊं, मतलब पिंडी छोले की जो रेसिपी है वो शेयर करूं। तो चलिए मिलके बनाते हैं पिंडी छोले, विच इज पंजाबी फेवरेट डिश। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मसाला पिंडी छोले बनाने के लिए सबसे पहले छोलों को मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, और अभी हम सुबह इसको पानी थोड़ा सा डाल के इसमें तेज पत्ता और इलायची, जो हमारे खड़े मसाले हैं जैसे कि लौंग, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, और इसके अंदर मैंने टी बैग्स भी रखे हुए हैं सो दैट छोलों का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक और बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल के इसको, अगर आप चाहें तो मैंने डाला है ये सो दैट जो छोले हैं वो पूरी तरह से मतलब अच्छे खासे सॉफ्ट हो। अब हमने इसमें टोमेटो प्यूरी और प्याज की प्यूरी बना के रख दिया है और ये हम बाद में यूज़ करेंगे। हमने एक सेपरेट कढ़ाई ले ली है और अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं क्योंकि हमें प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन को तीनों को अच्छे से भूनना है। पेस्ट डाल दिया है और प्याज के पेस्ट में ही मैंने एक्चुअली अदरक लहसुन भी डाल दिया था मिक्सी में घुमा के, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी चला गया है, प्याज का भी पेस्ट चला गया है। हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि मसाले हमें क्या क्या चाहिए। आप थोड़ा सा एक कटोरी में नमक थोड़ा सा लीजिए, धनिया पाउडर, जैसे आप देख रहे धनिया पाउडर आप डालिए इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें जीरा पाउडर, ये हल्दी है, हल्दी थोड़ा सा डाल दीजिए, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं आप, ये हींग है, थोड़ा सा हींग भी डालना है हमने। ये काला नमक है, रॉक सॉल्ट थोड़ा सा डालिए, ये भुना हुआ जीरा है, ये अनारदाना हमने थोड़ा सा डालना है इसमें, नाउ वी हैव टू मिक्स ऑल दीज मसालास। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके आप साइड में रख दीजिए। उसके बाद कढ़ाई में हम प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसके बाद डालने के बाद हम टमाटो की पेस्ट भी उसमें डाल देंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से पक ना जाए। अगर आप चाहें तो आप टमाटो में थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं सो दैट टमाटो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पक जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि टमाटो और प्याज हमारे काफ़ी अच्छे से पक गए हैं, कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है इनका। जो हमारे मसाले थे जो कटोरी में वो मैंने इसमें डाल दिए, तभी ऐसे थोड़ा सा सूखा सूखा हो रहा था, तो अब हम इनको पकने देंगे। दूसरी तरफ हमने छोलों को एक्चुअली अलग से सेपरेट कर दिया था और पानी इनका सेपरेट कर दिया था, तो छोलों को हम इसके अंदर अब डाल दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोलों को मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं अच्छे से इन दोनों को चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले खूब अंदर अच्छे से जाएं। बीच
में खोल के जब हम देखेंगे तो ये छोले देखिए कैसा कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक टी जो हमने उसमें डाला हुआ था। और बीच बीच में इसको चलाते भी रहिए और छोलों की देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है पूरे करी में। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ हमारा छोले, अभी हमें एक तड़का भी लगाना है। देखिए कितने सुंदर लग रही हैं छोले। छोलों का जो बाकी वाला पानी है काला उसको आप इनमें डाल सकते हैं, और बाकी पानी को आप फेंक मत दीजिएगा क्योंकि वो पानी आप जब भी इस छोलों को सर्व करेंगे तो वो सारा पानी आप उस पे ही डालेंगे। बारी आती है तड़के की, तो थोड़ा सा तेल में हम लहसुन डाल देंगे। अगर आपको लहसुन नहीं डालना तो आप नहीं भी डाल सकते। लहसुन डालने के बाद हम इसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च और भुना हुआ जीरा डालेंगे। तड़का हम डाल देंगे छोलों के ऊपर और देखिए क्या ब्यूटीफुल अमेजिंग सी कलर आई है। आई मीन दिस इज गॉर्जियस, सुपर गॉर्जियस। सो ये कलर जो है एक्चुअली में ऐसे ही होने चाहिए थे पिंडी छोले के कलर, एंड आई एम श्योर कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा ये पूरा कलर देखने के बाद। तो ये तड़का तो बिल्कुल ज़रूरी है हमारे इस रेसिपी के लिए। तो आप भी अपने घर पे बनाइए ये छोले और मुझे कमेंट्स में बताइए, और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा विद द रेड बटन एंड द बेल आइकन। थैंक यू।